प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MAPS 109 सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, टॉपिक कोल्ड वार, यूनिट 10। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि कोल्ड वार का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य में हम सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध कोल्ड वार क्या है। तो उद्देश्य से हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर दूसरा है शीत युद्ध की उत्पत्ति। नंबर तीसरा है शीत युद्ध की समाप्ति के कारण क्या है, मुख्य कारण, इनको हम जो है आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना में, हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया, किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक ओर ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत ही जल्द इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या स्थिति हो गई, तनाव की स्थिति हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ कौन था, ब्रिटेन, सोवियत संघ, मतलब रूस, जर्मनी। जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये एक थे। तो कहने का तात्पर्य ये मित्र राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र का मतलब होता है एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो इन्होंने भरोसा किया, सहयोग किया, किंतु जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही ये मित्र राष्ट्र जो थे, तो इनमें से कौन, हम रूस की बात कर रहे हैं, रूस ने अमेरिका को शंका भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया कि क्योंकि जो है अमेरिका ने जापान पे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो वहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पर बम विस्फोट कर दिया था। तो इससे पता चलता है, इससे जो है विश्व जगत में यही मैसेज गया था कि अमेरिका जो है परमाणु राष्ट्र है, संपन्न है, और जो है विश्व जगत में बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है। तो जो अन्य राष्ट्र थे तो उनको जो है ये भय सा लगने लगा था, और जो है शंका भरी दृष्टि से अमेरिका को देखने लगे थे कि अमेरिका ये बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है, और अगर उसको हमको बैलेंस करना है तो हमको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी वजह से रूस ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ राष्ट्रों से जो है मित्रता किया, और जो है सोवियत संघ उसका नाम दिया गया, और मित्र उन्होंने जो है एक गुट बनाया जिसका जो है नेता जो है रूस था, और उसका नाम सोवियत संघ पड़ा, और दूसरे गुट का नेता अमेरिका था। तो पूंजीवादी गुट जो है अमेरिका उसका नेता था। तो पूंजीवादी और जो है साम्यवादी दो गुट विश्व जगत में बट गए थे। तो पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में आपस में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, तो उसी को जो है कोल्ड वार नाम दिया गया, और जो है इसी को जो है शीत युद्ध कहा गया, क्योंकि जो है अमेरिका पूंजीवादी गुट का जो है समर्थन कर रहा था और साम्यवादी गुट का रूस समर्थन कर रहा था, और जो है ये अपने अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे क्योंकि एक दूसरे से भयभीत थे, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि जो है जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और फिर अगला युद्ध जो है हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो है शक्तियाँ जो है एक दूसरे को देख करके बढ़ा रहे थे, सोवियत संघ और अमेरिका। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध क्या है। तो इसमें हम देखते हैं शीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध सोवियत संघ और इसकी उपग्रह सरकारों, पूर्वी यूरोपीय देशों और अमेरिका उसके सहयोगी पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945-1991 की थी। चूंकि दोनों पक्षों के बीच सीधे बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए
कोल्ड नाम गढ़ा गया था। विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने धुरी शक्तियों के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन यह गठबंधन काम नहीं आया। कहने का तात्पर्य है, कोल्ड वार क्या है? तो कोल्ड वार एक तरह का ऐसा युद्ध था जो कि शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, इसीलिए इसे शीत युद्ध नाम दिया गया। ये जो है आपसी वैमनस्य, आपसी तनाव की जो है स्थिति थी, और जबकि उन देशों के बीच ऐसी तनाव की स्थिति थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम मित्रवत थे, मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब जर्मनी के खिलाफ थे और जो है मित्रवत राष्ट्र थे। तो जब युद्ध चल रहा था, इन्होंने कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे का सहयोग किया था, भरपूर सपोर्ट किया था सेना से और जो है आर्थिक चीज़ों से, सभी चीज़ों से इन्होंने जो है एक दूसरे का भरपूर समर्थन किया था, एक साथ लेकर के चले थे और एक साथ रह करके इन्होंने मिल करके जो है जर्मनी का मुकाबला किया था। तो मित्रवत राष्ट्र थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो है ये इन्होंने जो है एक दूसरे को जो है शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और जो है एक दूसरे को जो है इन्होंने भय की नज़रों से देखना शुरू कर दिया और एक देश दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया और आपसी मनमुटाव, तनाव की स्थिति और जो है वाक युद्ध एक तरीके से था, यानी कि हम किसी के अनर्गल शब्दों का यूज़ करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, दिखाना कि हमारी शक्ति बहुत अधिक है, जैसे कि अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था कि सोवियत संघ के पेछा हमारी शक्ति ज़्यादा बड़ी है और सोवियत संघ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था कि अमेरिका से हमारी ज़्यादा शक्ति बड़ी है। तो एक दूसरे को जो है दिखाना कि हमारी शक्ति जो है अधिक है और वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना और अपनी अपनी शक्तियां अर्जित करना, जैसे कि परमाणु शक्ति की जो है संपन्नता अर्जित करना और अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करना। अस्त्र शस्त्र की जो है एकदम भंडार लग गया था, शस्त्रों की दौड़ शुरू हो गई थी। तो ये जो है, लेकिन शस्त्र युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ जो है आपसी तनाव, मनमुटाव की स्थिति थी, वाक युद्ध था एक तरीके से और जो शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा गया था, इसीलिए जो है इसका नाम जो है शीत युद्ध, कोल्ड वार नाम दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति, कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे होती है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच कोई एकमत नहीं है। 1941 में जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूस को हथियार भेजे। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जर्मनी की हार के बाद जब स्टालिन पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया में एक कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करना चाहता था, उस समय इंग्लैंड और अमेरिका को स्टालिन पर संदेह था। यानी कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा जो है सोवियत संघ जो है मानते हैं, सोवियत संघ में जो है अभी भी चल रही है, जबकि जो है अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है, वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोध में अमेरिका रहता है, हमेशा से रहता है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन स्पीच में कहा कि सोवियत रूस एक लोहे के पर्दे से ढका हुआ था। इसने स्टालिन को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत रूस और पश्चिमी देशों के बीच संदेह व्यापक हो गया और इस प्रकार शीत युद्ध ने जन्म ले लिया। तो उनका ये कहना था कि एक ये लोहे की, जैसे कि लोहा ढका हुआ रहता है और लोहा जैसे ही उसका आवरण खोल दिया जाता है तो समझ में आता है कि लोहा कितना मजबूत है और जो सामने उसका जो है असली चेहरा जो है प्रकट हो जाता है। तो अमेरिका का कहना ये था कि जो ऐसे राष्ट्र हैं जो कि पूंजीवादी गुट का जो है विरोध कर रहे हैं और कम्युनिस्ट लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो रूस जो है उसी विचारधारा के लोगों से मिला हुआ है, तो हमको जो ये मान लेना चाहिए कि हमारे विरोध में है और ये लोहे की भांति था। और जैसे लोहे का जो है ढका हुआ रहता है और जब पर्दा हटा दिया जाता है तो उसका रूप सामने आ जाता है, तो हमको भी समझ जाना चाहिए कि रूस का जो है हमको असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है और जो है हम जो है उसको संकट की दृष्टि से देखते रहेंगे, क्योंकि जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के साथ जो है संपर्क में है, ऐसे देशों से जो है संपर्क बनाए हुए है। तो इसी वजह से अमेरिका ने रूस का विरोध करना शुरू किया और जो है इसी प्रकार कोल्ड वार का जन्म हुआ। जब कोल्ड वार का जन्म हुआ
तो कोल्ड वार में जो है आमने सामने से कभी भी युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन कोल्ड वार के समय में शस्त्रों की बहुत ज़्यादा दौड़ हो रही थी और ढेर सारे शस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा था और अफगानिस्तान में एक प्रकार का जो है युद्ध छिड़ गया था। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान को मोहरा बनाया गया था और सोवियत संघ और अमेरिका, इन दोनों के बीच जो है एक तरीके से जो है वार चल रहा था, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जो भी आतंकी गतिविधियां थी उनको समाप्त करना चाहता था और उन्होंने ढेर सारा जो है प्रयास किया इसके लिए और जो है आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन उस आक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने हथियार वगैरह सब पहुंचाना शुरू कर दिया और जो है अफगानिस्तान में एक प्रकार का जो है युद्ध छिड़ गया था। तो यह जो है डायरेक्ट अमेरिका और जो है रूस के बीच युद्ध नहीं था, लेकिन जो है अफगानिस्तान को मोहरा बनाया गया था और अफगानिस्तान को माध्यम बना करके एक दूसरे जो है देशों के बीच जो है बहुत ही संघर्ष की स्थिति थी कोल्ड वार के दौरान, और ये बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी और ये आतंकी गतिविधियों को जो है प्रश्रय दे रहा था। सिर्फ जो है अमेरिका को जो है सबक सिखाने के लिए, अमेरिका को जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जितना भी सैन्य और जितना भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता थी तो सोवियत संघ ने पहुंचाना शुरू किया, और जो है जबकि अफगानिस्तान की स्थिति अमेरिका के तुलना में बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा देश है। छोटा देश का सेंस का मतलब कि अमेरिका जो है तकनीकी रूप से और जो है संपन्नता की श्रेणी में अमेरिका जो है बहुत आगे है, लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति जो है कमज़ोर है। तो बहुत दिन तक ये युद्ध चला, क्योंकि जो है इसको प्रश्रय कौन दे रहा था, इसको प्रश्रय सोवियत संघ दे रहा था। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका और जो है सोवियत संघ में डायरेक्ट जो है वार नहीं हो रहा था, किंतु जो है यह अमेरिका जो है आतंकवादी चीज़ों को जो है गतिविधियों को समाप्त करना चाहता था, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त जो रूस द्वारा भेजी गई सेना थी, जो भेजी है भेजे गए अस्त्र शस्त्र थे, तो उनको भी समाप्त करना चाहते थे, उसकी स्थिति को कमजोर करना चाहते थे। एक तरीके से अमेरिका जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और जो है सोवियत संघ अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ लगी हुई थी। इसलिए आपसी संघर्ष, आपसी तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, आपसी संघर्ष की स्थिति चली जा रही थी। जैसे कि स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकंड, स्टार्ट थर्ड, इस प्रकार की जो है संधियां लाई गई, लेकिन संधियों का जो कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा था। संधियां इसलिए लाई गई थी कि विश्व जगत में हथियारों की बहुत ज़्यादा दौड़ होगी, तो अस्त्र शस्त्र बहुत ज़्यादा होंगे और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी और युद्ध जो है कभी भी हो सकता है। तो युद्धों को जो है रोकने के लिए शस्त्रों की दौड़ को रोकना जरूरी है। इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका, इन्होंने बराबर लगातार कोल्ड वार भी चल रहा था, इसके बावजूद इन्होंने यह प्रयास किया कि परमाणु शस्त्र नियंत्रण संधि, इस ढेर सारी संधियां की गई थी। इसलिए क्योंकि जो है अगर शस्त्रों की दौड़ को नहीं रोका जाएगा तो बहुत जल्दी ही शस्त्रों से युद्ध लड़ा जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया जाएगा, मतलब कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से ढेर सारी शस्त्र नियंत्रण और के लिए जो है संधियां की गई थी और स्टार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जो है संधियां की गई थी। लेकिन इसका भी कोई जो है विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो है कोल्ड वार जो है चल रहा था, आपसी जो है तनाव की स्थिति थी और बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति के मुख्य कारण क्या है। तो शीत युद्ध जो है बाद में जो है इसका जो है समापन हो गया, तो शीत युद्ध की समाप्ति के हम जो है कारण को हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिससे जो है शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो नंबर एक, बर्लिन की दीवार गिरना। 1958 में सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी के लोगों के बढ़ते प्रवास से नाराज होकर दोनों क्षेत्रों को विलय करके एक विसैनीकृत मुक्त शहर बनाना चाहते थे, जिस पर कम्युनिस्ट शासन के तहत सोवियत
प्रणाली द्वारा शासन किया जाना था। नवंबर 1989 मध्य और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन का केंद्र बिंदु था। गोरबाचोव के नेतृत्व में सोवियत सुधारों और पूर्वी यूरोप के लोगों के बढ़ते दबाव के कारण अंतः बर्लिन की दीवार गिर गई। इतिहास के निर्णायक क्षण में जर्मनी का पुनर्मिलन का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। तो जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार खड़ी थी, तो उसका जो है गिरना जो है इसमें इसका प्रमुख कारण बना। दीवार क्यों खड़ी गई की गई थी, क्योंकि जैसे कि एक जर्मनी राष्ट्र था, तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके आधे जर्मनी क्षेत्र में पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र था, तो आधे जर्मनी में पूंजीवादी गुटों ने कब्जा कर रखा था, आधी जर्मनी में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो जो है और जर्मनी में ही एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, बर्लिन नामक एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। दीवार खड़ी करके यह बताया गया कि आधी जर्मनी जो है पूंजीवादी लोगों की कस्टडी में रहेगा और आधी जर्मनी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की कस्टडी में रहेगा। तो जो है उन लोगों ने अपने अपने मतलब हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही जर्मनी के लोगों ने यह सोचा कि जो है हमको जो है अब विलय कर लेना चाहिए, वहाँ के शासकों ने ऐसा जो है अब एक विचारधारा उस विचारधारा को पूरी तरीके से जो है समाप्त करके जो विरोधी विचारधाराओं ने जन्म लिया था, विरोधी विचारधाराओं को समाप्त करके जो है एक होने का जब निर्णय लिया, तब बर्लिन की दीवार को गिरा दी गई। और बर्लिन की दीवार गिराने के बाद जर्मनी जो दो गुटों में बंटा हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादी, तो जो है उनका जो पुनर्मिलन हो गया। जर्मनी वासी फिर से एक हो गए, जो एक राष्ट्र को जो है दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। तो बर्लिन की दीवार ढहने से एक राष्ट्र जो है फिर से एकीकृत राष्ट्र हो गया और एक राष्ट्र का निर्माण हो गया पूरी तरीके से। फिर इसके बाद हम देखते हैं नंबर दो, अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध की समाप्ति। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अफगानिस्तान में जो है सोवियत युद्ध चल रहा था और जो है डायरेक्ट ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध नहीं था, लेकिन जो है अफगानिस्तान की धरती पर लड़ा जा रहा था। और सपोर्ट कौन कर रहा था, अमेरिका जो युद्ध को समाप्त करना चाहता था और युद्ध को बढ़ावा कौन देना चाहता था, सोवियत संघ। तो जो है उसी की समाप्ति हुई। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और साम्यवादी सरकार स्थापित की। अफगानिस्तान के भीतर मुजाहिदीन कहे जाने वाले इस्लामी समूह को राष्ट्रवादी थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ थे। वे भारी हथियारों से लैस थे और अमेरिका और चीन द्वारा वित्त पोषित थे। यूएसएसआर ने अनुमानित रूप से $50 बिलियन की राशि खर्च की, जबकि रीगन प्रशासन द्वारा लागू की गई रणनीति के कारण देश आर्थिक स्थिरता में था। यूएसएसआर ने मनोबल, सैन्य बल और आर्थिक दबाव में भारी गिरावट का अनुभव किया। गोरबाचोव के आदेश के अनुसार लाल सेना ने 1989 में अपने सैनिकों को वापस ले लिया और एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। तो कहने का तात्पर्य है कि सोवियत संघ ने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज करके अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को भेजा और वहाँ पर अपनी विचारधारा स्थापित करने का प्रयास किया। स्थापित कौन सी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा। तो साम्यवादी विचारधारा का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। तो वो अपनी सेना भेज करके अपनी जो प्रभुता स्थापित करने के लिए वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तो अमेरिका जो है अपनी पूंजीवादी विचारधारा को जो स्थापित करना चाहते थे, इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे आपसी तनाव हुआ, आपसी मनमुटाव हुआ और जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा भारी विरोध हुआ। संघर्ष की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति थी, बहुत से नागरिक मारे गए थे और जो है ये सब अमेरिका और जो है सोवियत संघ जो है अपने अपने गुट के लोगों को हथियारों से लैस करा रहे थे, हथियारों संपन्न करा रहे थे, हथियारों से सैनिकों से पूरी तरीके से मदद कर रहे थे और जो है अफगानिस्तान के लोगों की बहुत क्षति हो रही थी, जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी और जो है बहुत ज़्यादा ये नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं यूएसएसआर ने अनुमानित रूप से $50 बिलियन की राशि खर्च करके रीगन प्रशासन द्वारा लागू की गई रणनीति के कारण देश में आर्थिक स्थिरता में था। यूएसएसआर ने मनोबल, सैन्य बल और आर्थिक दबाव में भारी गिरावट का अनुभव किया। गोरबाचोव के आदेश के अनुसार लाल सेना 1989 में
अपने सैनिकों को वापस ले लिया और एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। जैसे ही USSR को लगा कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और जो है यह जो है इस जो एक प्रकार का युद्ध की स्थिति बनी हुई थी तो वह समाप्त हुई और जो है शांति की जो व्यवस्था कायम हो गई। नंबर 3 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव की भूमिका। अब जो है कोल्ड वार की समाप्ति में मिखाइल गोर्बाचोव की जो है भूमिका भी सामने आती है। इसमें हम देखते हैं सोवियत संघ के 8वें नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को त्याग कर पश्चिम में पूंजीवादी को अपना लिया। वह नई पीढ़ी के पहले के नेता थे और पिछले सोवियत नेताओं ने बहुत से अलग विचार रखे थे। उन्होंने USSR के पुनर्निर्माण के लिए 2 प्रमुख नीतियां पेश की। गोर्बाचोव के सुधारों ने सोवियत संघ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सोवियत नेता एक मिखाइल गोर्बाचोव थे। तो उन्होंने जो पहले कम्युनिस्ट विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारा एक तरीके से बंद अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, मतलब कि हम खुली अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनका कहना है, और हम बंद अर्थव्यवस्था मतलब जो हमारी विचारधारा से प्रभावित है और जिन राष्ट्रों में हमारी विचारधारा को लागू की गई है तो हम जो है अपनी साम्यवादी नीतियों को आर्थिक रूप में हम अपनाएंगे, उनका कहने का ये तात्पर्य था। तो वो जो है पूंजीवादी विचारधारा का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का उद्योग धंधों कंपनियों का जो है विरोध करते हैं। कंपनियों का विरोध करने से सेंस यहाँ पे यह है कि पूंजीवादी उद्योग धंधे प्राइवेटाइजेशन के जो है विरोध में रहते हैं। जो साम्यवादी व्यवस्था है तो जो उद्योग धंधे और जो भी अर्थव्यवस्था रहती है देश की, तो वो जो है देश के अंडर में राष्ट्रीयकरण का जो है समर्थक रहता है। सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान करना और जो है जो भी उद्योग धंधे चलाएंगे सरकार चलाएगी और जो है प्राइवेट व्यक्ति नहीं चलाएगा। तो साम्यवादी व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था होती है और जो है खुलापन, प्राइवेटाइजेशन, जो है उदारवाद, ये सबकी मनाही होती है साम्यवादी व्यवस्था में। साम्यवादी व्यवस्था में सभी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाती हैं, चाहे कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, चाहे जो भी एरिया हो, तो सभी एरिया में सरकार का जो है सरकार का हस्तक्षेप होता है। सभी क्षेत्र संपत्ति के अधिकार पर सरकार का अधिकार होता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है और जो है बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाता। प्राइवेट उद्योग धंधे नहीं हो सकते हैं, प्राइवेट नौकरियों का विरोध करते हैं, क्योंकि जो साम्यवादी विचारधारा का मानना है कि प्राइवेट व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने सिर्फ हित के लिए काम करता है। अगर प्राइवेट व्यक्ति उद्योग धंधा लगाता है तो अपने हित का ही ध्यान में देता है, कम सैलरी दे करके अधिक से अधिक काम करवाता है, तो जो है प्रत्येक व्यक्ति की आय भी घटती है, प्लस अगर प्रत्येक व्यक्ति की आय घट जाएगी तो देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से जो सोवियत विचारधारा है और जो साम्यवादी विचारधारा का मानना होता है कि ये सब राष्ट्र को करना चाहिए और उद्योग धंधे ये सब चीज़ का विकास जो है राष्ट्र को करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी प्रदान की जानी चाहिए, तब इस व्यक्ति का समाज का और देश का विकास हो सकता है। तो जब यह सोवियत का जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन का जो कारण बना क्योंकि जो है अन्य जो नेता आए सोवियत रूस में, तो उन्होंने जो है अमेरिकी विचारधारा को अपनाना शुरू किया और जो साम्यवादी विचारा को निगलेक्ट करना शुरू किया। उनका कहने का तात्पर्य था अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बंद अर्थव्यवस्था में तब्दील कर देंगे तो भी विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खुलापन होना ही चाहिए और उदारवादी युग चल रहा था। 1991 में जो है 1991 और 91 में उदारवादी का जो है दौर चल रहा था, तो उस टाइम जो है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ का विकास हो रहा था बहुत तेज़ी से। टेक्नोलॉजी में देश जो है पूरा विश्व बहुत आगे बढ़ रहा था। तो इसी वजह से जो है सोवियत संघ के जो विघटन होना शुरू हो गया था और उन्होंने जो है साम्यवादी व्यवस्था को जो है ब्रेक करके साम्यवादी को व्यवस्था को पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था। साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है सुधार करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था को भी उन्होंने अपनाना शुरू किया था। नंबर 3,
इसी का जो है पार्ट है प्रेस्त्रिका ग्लासनोस्त। प्रेस्त्रिका का मतलब है प्रेस्त्रिका की नहीं सरकार और अर्थव्यवस्था में सुधार के बारे में थी। इसका उद्देश्य सोवियत नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ावा देना और छोटे छोटे व्यवसायों को फलना फूलना, इसका मतलब हथियारों सेना पर कम खर्च करना था। प्रेस्त्रिका का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग धंधों को जो हम बढ़ावा देंगे, प्राइवेट व्यक्तियों को हम जो है उनको पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे कि अपना अपना उद्योग धंधे चला सकते हैं, और हम हथियारों में कम खर्च करेंगे जिससे कि जो है हथियार की दौड़ को हमको कम करना है। ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त का मतलब है पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। गोर्बाचोव सोवियत ब्लॉक के लोगों को अपनी गतिविधियों में शामिल करना चाहते थे और उन्हें अपनी समस्याओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। बिना सेंसर स्वतंत्र मीडिया को अफगान युद्ध, चेर्नोबिल आदि जैसी घटनाओं की सच्चाई का खुलासा किया। सोवियत सरकार द्वारा दिखाए गए खुलेपन की दुनिया भर के देशों को परमाणु युद्ध के खतरे से राहत दी और शीत युद्ध में कमी आई। तो ग्लासनोस्त का मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और जो है जितनी भी चीज़ें मीडिया ये सब चीज़ को स्वतंत्रता देना, परमाणु हथियार को कम करना और लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी देना, जिससे कि जो है युद्ध को जो है युद्ध नहीं होंगे। और ये ऐसा माना गया कि इससे जो है लोगों की जब स्वतंत्रता होगी तो वो जो है क्रांति नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इस और खुलापन व्यक्ति को स्वतंत्र किया और जो उद्योग धंधों को जो है बढ़ावा देने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। निर्वाचित होने के बाद रीगन ने अपराध करके शीत युद्ध का एक रुख किया। उन्होंने इस आर पर प्रहार किया जहां इससे सबसे अधिक नुकसान हुआ, उसकी ढहती अर्थव्यवस्था। अमेरिका ने अपने सैन्य खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की जिससे सोवियत संघ महंगे हथियारों की होड़ में शामिल हो गया, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अमेरिका ने USSR को विश्व अर्थव्यवस्था से भी अलग कर दिया, जिससे तेल की कीमतें अब तक सबसे अधिक निचले स्तर पर पहुँच गए। तेल राजस्व के बिना उसकी अर्थव्यवस्था में और गिरावट आई। 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की भी महत्वपूर्ण भूमिका आई। उन्होंने भी दूसरे अर्थव्यवस्था और दूसरे विचारधारा दूसरे अन्य राष्ट्रों को भी जो महत्वपूर्ण जो है समझने लगे और जो है उनको भी अहमियत देना शुरू किया और जो है अब आपस में घुलने मिलने का प्रयास किया। उन्होंने इस प्रकार से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को जो का प्रसार करने लगे और जो मित्रवत रहने लगे, और लास्ट में 1991 में सोवियत रूस के विघटन और उसकी शक्ति कम हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ की जो है इससे शक्ति कम हो गई और उसका सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। निष्कर्ष हम देखते हैं, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद 1945 में शुरू हुआ और 1981 तक चला। गोर्बाचोव और जॉर्ज बुश ने 1989 के माल्टा शिखर सम्मेलन में याल्टा सम्मेलन प्रावधानों को बहाल किया, जो नई मुक्ति दुनिया एक और कदम था। रूस ने सोवियत संघ के विघटन को मान्यता दे दी। तो इस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन हो गया और जो कोल्ड वॉर की समाप्ति हो गई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।